हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हाइल अ मूविंग पिक्चर इज बीइंग स्क्रीन, यानी पिक्चर ऐसी है जो कैसे मूव की जा सकती है। अ बॉय इंट्रोड्यूस्ड अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बिटवीन द प्रोजेक्टर एंड द स्क्रीन। इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑन द स्क्रीन, द स्क्रीन शुड बी मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ ऑप्शन फर्स्ट 1 सेंटीमीटर अवे, ऑप्शन सेकेंड 1 सेंटीमीटर नियरर, ऑप्शन थर्ड 2 सेंटीमीटर अवे एंड ऑप्शन फोर्थ 3 सेंटीमीटर अवे। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आपके पास एक प्रोजेक्टर है। लेट वी दिस इज द प्रोजेक्टर, ऐसे कहने के लिए लाइट, नो प्रॉब्लम। और ये हमारी क्या है, एक स्क्रीन। अभी ये लाइट इमेज को कहाँ फोकस कर रही है, स्क्रीन पर। बट ये क्या कर देता है, एक स्टूडेंट होता है वो उसके बीच में क्या ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करता है। तो डेफिनेटली जब ये ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस हो, थिकनेस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये इसकी इमेज जो यहाँ बन रही होगी, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेगा। और हमारा की कॉन्सेप्ट भी यही है क्या, द शिफ्ट ड्यू टू अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस स्मॉल टी। ये हमारा दिया जाता है, आपको ये एक्सप्रेशन शायद पता होगा। दिस एक्सप्रेशन इज गिवन बाई शिफ्ट इज इक्वल्स टू टी इन ब्रैकेट 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्योंकि इसके बाहर क्या है, एयर है, ये बदल जाएगा अगर बाहर वाटर कुछ होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि जो भी जिसका भी क्या स्लैब बना हुआ है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, और ये डिसाइड कर देगा कि हमें स्क्रीन को कितना पीछे या आगे क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, मूव कराना है। सो लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चन। हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है हमें, यानी स्लैब, स्लैब ग्लास का बना है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है कितना, 1.5। वी कैन से टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, ये कितना गिवन है, 1.5 में गिवन है। और क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है आपको, बस इतनी चीजें आपको पता है। और आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी पता है कितना होता है, 1 होता है। आपको चाहिए क्या, शिफ्ट। तो वी कैन कैलकुलेट द शिफ्ट, लेट द शिफ्ट बी स्मॉल एक्स। सो शिफ्ट स्मॉल एक्स इज गिवन बाई टी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, एयर अपॉन स्लैब, ये हो जाएगा एयर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। वैल्यू अगर हम पुट करें तो 3 इज, इट इज 3, टी इज 3, 1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है, 1, स्लैब का कितना हो जाएगा, 1.5। तो ये हमारा हो जाएगा 3 1, ये हो गया 3/2, तो दिस बिकम्स 2/3, ये हो जाएगा 1/3। तो x इज इक्वल्स टू ये 3 सेंटीमीटर एंड इट बिकम्स 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो शिफ्ट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो वी कैन से द इमेज विल बी शिफ्टेड बाई 1 सेंटीमीटर अवे। अब इमेज कहाँ शिफ्ट हो गई है, ये हमारी शिफ्ट हो गई यहाँ की बजाय यहाँ, और कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो आपको अपनी स्क्रीन को भी किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर कितना, 1 सेंटीमीटर अवे। सो द स्क्रीन शुड बी मूव्ड अवे कितना, 1 सेंटीमीटर। तो इफ वी मैच आवर ऑप्शन, तो 1 सेंटीमीटर अवे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।